मैं जब 9 साल की थी, मेरे स्कूल टीचर ने हमें एक अलग ही होमवर्क दिया था, एक खत लिखो, किसी और को नहीं, खुद को, 10 साल बाद के प्राची को, बड़ी होके मैं कौन बनना चाहती हूँ। मैंने वो लिखा और फिर भूल गई। 10 साल बाद बचपन में लिखा हुआ वो खत मेरे टीचर ने मुझे फिर से भेजा। वो मैंने आपके लिए लाया है, ये है वो खत। ये पढ़ के मैं हैरान हो गई, क्योंकि उसमें छोटे प्राची ने लिखा था कि मुझे बड़ा होके दुनिया बदलनी, ऐसा काम करना है जिससे कुछ ना कुछ परिवर्तन। अपने इन शब्दों से मैं इंस्पायर हो गई और 18 साल की उम्र में 1 साल का गैप लेके भारत भर घूमी, अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से बातें की, स्वच्छता कर्मचारियों के साथ काम किया, छोटे छोटे बच्चों से उनके सपने सुने। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। इस दौरान मैंने खुद की आंखों से देखा कि आज जिसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, लोगों के डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी समस्या के बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, और इसी से कूल द ग्लोब की शुरुआत हुई। आपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सुना होगा। कूल द ग्लोब एक कार्बन हैंड प्रिंट ऐप है, मतलब ये ऐप लोगों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करती है। जैसे कि आपसे मिलने के लिए आज मैं कार के बजाय ट्रेन से आई, तो इस ऐप ने मुझे बताया कि ये करने से मैंने ऑलमोस्ट मेरे वेट के इक्वल, मतलब 35 किलो कार्बन एमिशंस कम किए हैं। अपने डे टू डे लाइफ में मैं इको फ्रेंडली कैसे बन सकती हूँ, इसके ऐसे ही 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके इस ऐप में मुझे दिखते हैं, और ये करने से कितना कार्बन एमिशन कम हो रहा है ये भी ये ऐप कैलकुलेट करती है। UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 13 फॉर क्लाइमेट एक्शन से हमारा ऐप डायरेक्टली लिंक्ड। आज 110 देशों में से लोग इस ऐप पे आए हैं, और इन सभी नागरिकों ने मिलकर कूल द ग्लोब की हेल्प से 34 लाख किलो कार्बन एमिशंस एनवायरनमेंट में ऐड होने से बचाए हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम ये ऐप ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज के लिए भी ला रहे हैं। हमारा मिशन है कि भारत का हर घर और हर बिजनेस कार्बन न्यूट्रल हो। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्राची शिवगांवकर, और इस मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए। आज हमारी आस्क है 25 लाख फॉर 5% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू फीलिंग हॉट टुडे? लेट्स कूल द ग्लोब टुगेदर। वाओ, हाय प्राची। हाय, वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड जो पूरा का पूरा डेडिकेट किया है टू एनवायरनमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया और ग्लोबली सबको एजुकेट करें। यस, मैं एक यूट्यूब सीरीज करती हूँ ऑन हेल्थ कॉल्ड अनकंडीशन योरसेल्फ विद नमिता, तो दिया मिर्जा शी वाज ऑन माय शो, और उन्होंने इतनी डिटेल से बताया एनवायरनमेंट और हेल्थ का इम्पैक्ट। Yes. और स्पेशली ये कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ AQI यू नो पोल्यूशन इन दिल्ली, उनके मॉम को COPD हो गया, विच इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, वेरी वेरी यू नो डेबिलिटेटिंग डिजीज। माय डैड हैड इट। Exactly. So you know how tough it is. And that was all because of extremely high pollution. That was my wake-up call. हाँ. तो आपका वो trigger moment क्या था, is what I want to understand. मैंने 1 साल का गैप लिया, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे हाई इम्पैक्ट एरियाज में काम करना है। मैंने गूगल सर्च किया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो क्लाइमेट चेंज सामने आया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं थी। मैंने सोचा कि हमारे सामने बहुत समस्या है, लोगों को हंगर है, इलिटरेसी है, ये सब छोड़ के व्हाई शुड आई वरी अबाउट पोलर आइस मेल्टिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैंने एजुकेशन में काम किया, फार्मर्स के साथ काम किया, तब क्लाइमेट चेंज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जब ऑन ग्राउंड काम कर रही थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से मिली, पुणे के पास के एक स्लम में वो रह रहे थे। मैंने उन्हें पूछा कि आपको एक विश मिलेगी, आप कुछ भी मांग सकते हैं। उनका आंसर मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने बोला कि आई वुड विश कि माई हाउस डजंट गेट फिल्ड विथ वाटर अगेन। न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जब फ्लड्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा इंटेंसली हो रहे हैं, लेकिन तभी मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि जब मैं ये पढ़ती हूँ तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक 12 साल के बच्चे को समथिंग एज बेसिक एज अ शेल्टर अबव माई हेड, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मुझे जैसे लोगों से मिलते गई, वैसे समझ आया कि इतने बड़े बड़े शब्दों के बारे में ये नहीं है, हमारे निजी जिंदगी के बारे में। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जो स्वभाव, सादगी और जिस सफाई से आप बोलती हो,
ये लगता है parents have raised you really well because your energy is so infectious, so infectious that I'm just blown away. वो बहुत खुश होंगे ये सुनके. आज आपको पिच दे रही हूँ, वैसा ही पिच मैंने मेरे पेरेंट्स को भी दिया था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अनकन्वेंशनल करियर पाथ लेना है. और बाय द एंड ऑफ इट दे वर जस्ट एज एक्साइटेड एज आई वाज टू कम ऑन दिस जर्नी विद मी. उन्होंने 30 इयर्स केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया और अब वो टीचर. हाँ, इज अ टीचर. अब वो फुल टाइम मेरे साथ काम करते हैं. तो अब मैं उनकी बॉस हूँ. Oh wow! Incredible. And mom? Yes. My mom is also an engineer. My sister is also an engineer. So I'm only non-engineer. And now I'm going to employ them three. 15 years my wife has been working on climate change. She was earlier working for Terry. She got a Nobel Prize bhi mila tha, unki team ko on climate change. Then after that, she was working as a climate change expert at the Dutch embassy. Before that, she was in EU in climate change. तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना वो बहुत यू नो हमारी बहुत डिस्कशंस होती है और बहुत चीजें, मतलब उसने भी हमारे घर पे हमारी लाइफ में चेंजेस लाई है. आपकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस करें आपने फ्रॉम मतलब इजियर सेड देन डन, राइट? इट्स नॉट इजी. आपने क्या चेंजेस करें? मैं जब ये जर्नी करने लगी तो मैंने बाबा से जाके पूछा और हमने डिसाइड किया कि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे. हमने चैलेंज लिया उस साल का कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट इस साल हम 10% से कम करेंगे. तो पहले तो मैं कॉलेज, मेरा 15 किलोमीटर था, तो मैंने कॉलेज पे सिर्फ 4 दिन साइकिल से जाना शुरू किया. उससे मैं फिट भी हुई और मेरे एमिशंस भी कम हुए. घर पे नहाने के लिए सोलर वाटर हीटर लगाया, उससे एमिशंस कम हुए. घर का प्लास्टिक रिसाइकल करने की सिस्टम लगाई, उससे कुछ एमिशन कम हुए. आज भी मैं हर साल अपना एमिशन 10% से कम करती हूँ. अच्छा. ऐसे नहीं कि आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट माई यूजर्स ऑल्सो टू बी परफेक्ट. इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हर कोई अपने हिसाब से अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें करे. करेक्ट. बट आपने जब इस जर्नी में गए तो आपने सोचा नहीं कि किसी कंपनी में या कहीं पे क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स के साथ काम करो, उनसे और सीखो? एक्चुअली मैंने ऐप बनाने का सोचा नहीं था. हम पहले देखने लगे कि कोई ऐसी ऐप है क्या जो मेरे जैसे लोगों को एक साथ लाए. तो उस टाइम पे कोई ऐप दिखी नहीं. तब सोचा कि अगर कोई ऐसी ऐप किसी ने बिल्ड नहीं की तो हम करेंगे. और जब मैंने डिसाइड किया कि क्लाइमेट चेंज में ही मुझे काम करना है, तो उससे उसके बाद 2 साल में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग कैपेसिटी में मैं काम कर चुकी हूँ. अच्छा, कहाँ कहाँ? जैसे क्लाइमेट लीडरशिप कोएलिशन, ये यूरोप का सबसे बड़ा क्लाइमेट बिजनेस नेटवर्क है. उसकी मैं भारत की पहली एडवाइजर हूँ और यंगेस्ट प्रोबेबली. टाटा पावर, ये भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिनका अभी काम किया वहाँ पर. अब मैं उनकी क्लाइमेट चेंज एडवाइजर हूँ. COP27 में एज अ डेलीगेट फ्रॉम इंडिया आई वेंट विद द एनवायरमेंट मिनिस्टर. उन्होंने 3 यंग लोगों को सिलेक्ट किया था. अच्छा. उनमें से एक मैं थी. तो ऐसे आर यू एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कि आपको सच में बिजनेस मिल गया? I started out as an activist. So अभी मैं बहुत साल से ये कर रही हूँ. तो मुझे ये दिखाई देने लगा कि हमारे पास सिर्फ 30 years है क्लाइमेट चेंज के वर्स इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए. ये हमें 30 years में कर दिखाना है तो हमें इसे एक entrepreneur के जैसे देखना पड़ेगा. नॉट जस्ट एज मी पर्सनली बट एज अ वर्ल्ड. अच्छी, आप थोड़ा अपने ऐप और बिजनेस के बारे में अगर डेमो है तो दिखा दीजिए. हाँ, प्लीज प्लीज. तो ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है. लोग फ्री में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं आपको ऐप का डेमो दिखाऊंगी, लेकिन इन एक्सचेंज मुझे आपसे कुछ प्रॉमिसेस चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉमिस अमन से, अगर आप मुझे आज मिलने के बाद आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप पूरा हफ्ता चिकन नहीं खाओगे तो आप आपको बताएगी कि आपने ये करने से 4 kg CO2 emissions not making that promise किया है. तो नेक्स्ट प्रॉमिस फ्रॉम नमिता कि आप इसका ड्रेस इतना अच्छा दिख रहा है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 5 new dresses अगर आपने यही 5 बार रीयूज किया तो आप आपको बताएगी कि ये करने से आपने ऑलमोस्ट 20 kg CO2 एमिशन. मैं आपको और इजी बताती हूँ. मैंने ये कोलैब पे लिया है, व्हिच इज रेंटिंग. वाओ. एंड रेंटिंग एंड थ्रिफ्टिंग इज द बेस्ट. गुड. सो यू ऑलरेडी डूइंग दिस. तो मैंने आपका रिकॉर्ड सेव कर दिया है. फिर राधिका जी, अगर आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आज घर जाके आप रात को एसी नहीं यूज करेंगे. चलो, कर दिया. तो 3 pledges from 3 sharks. So bottom line is आप कैलकुलेट करते हैं ये activities based on activities what is the harm or the benefit. बिल्कुल. Savings in carbon emission. बिल्कुल. और ये app users use करने लगे तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं अपने life पे कर रही हूँ लेकिन ये मेरे बैचमेट्स के साथ, मेरे कॉलीग्स के साथ मिलके कैसे कर सकते. वेरी इंटरेस्टिंग. इसीलिए देन वी आर लॉन्चिंग नाउ दिस ऐप फॉर कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन.
तो यहाँ पे हर यूजर को मंथली टारगेट दिखता है. वी कैन सी कि नमिता का टारगेट 200 केजी, उसमें से उन्होंने 145 कर दिखा है. तो आपने किया, तो नाउ यू वांट टू से कि शार्क टैंक इंडिया में और किसी ने क्या क्या किया है. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डैशबोर्ड जिसे हमें दिखता है कि सभी टीम मेट्स ने मिलकर कितने एमिशन सेव किया. हमें दिखता है कि कौन सी टीम जीत रही है. तो अभी जजेस की टीम शार्क्स की टीम जीत रही है. उसमें इस टीम में कौन जीत रहा है? Thank you. Very bad. तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर सकती हैं. जैसे टीम का फिटनेस चैलेंज होता है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में. तो इन अ टीम आप हमारी टीम में 300 लोग कार्बन फुटप्रिंट का चैलेंज कर सकते हैं. वेरी नाइस मोटिवेशनल थिंग एक कॉर्पोरेट सेटअप में बहुत अच्छा हो सकता है. 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्लाइमेट एक्शन ट्रेनिंग की. सभी ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में आके बोला कि ये ऐप मेरे एम्प्लॉइज के लिए मुझे यूज करनी है. आई विल बाय इट बट यू मेक इट एंड दैट्स व्हाई वी आर नाउ मेकिंग इट. एक्चुअली में किसी ने बाई किया? ऑर्गेनाइजेशनल वर्जन इज इन डेवलपमेंट जो हम मई में लॉन्च करेंगे. उनका अभी प्री लॉन्च आपके पास कोई ऑफिशियल कमिटमेंट है या वर्बल कमिटमेंट है? सो वी हैव 7 MOUs विद 7 लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. वेरी गुड. जिसमें से 4 इंडिया से है, 3 इंटरनेशनल है. तो अभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्जन रेडी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल का जो आम आदमी के यूज करने का वर्जन है वो मार्केट में है. कितने टाइम से है मार्केट में? वो मार्केट में 2021 से. कितने डेली यूजर्स हैं? सो मंथली एक्टिव यूजर्स है अराउंड 6000 और डेली यूजर्स अभी कम है क्योंकि अभी इट्स जो नंबर पहली अराउंड 500. बट लोगों को पता भी तो नहीं है आपके बारे में ज्यादा. और ऐप जो पहली लॉन्च की थी उसमें अभी वी रियलाइज कि जब हम नज करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, तो यूजर्स बहुत बढ़ जाता है. तो पीपल नीड डेली एंगेजमेंट. उनके एम्प्लॉइज के लिए ये ऐप ले सकते हैं. तो अराउंड 300-500 रुपीस एनुअली पर एम्प्लॉई, इन ब्रैकेट्स ऑफ 1000 एम्प्लॉइज 3000. तो अभी तक आपका कोई रेवेन्यू मॉडल स्टार्ट नहीं? प्री रेवेन्यू है अभी. इसमें अलग अलग ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स भी लोग चूज कर सकते हैं और वो जिन्होंने रिड्यूस नहीं किया वो ऑफसेट कर सकते. दिस इज अ सेकेंड बिजनेस मॉडल. तो ऑफसेटिंग ये है कि कुछ मैं अपने बिहेवियर चेंज से कम करूँ, लेकिन जो मैं कम नहीं कर सकती वो मैं ऑफसेट करती हूँ कि कोई और मेरे बिहाफ पे वो कम कर रहा है. कैसे? जैसे ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑफसेट परचेस करती हूँ, बोलती हूँ कि इतने टन कार्बन ऑफसेट मैंने लिए है. ये ऑर्गेनाइजेशन अभी कर रही है. तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्यों खरीदेगा लेकिन इसको? कि मैं सभी अभी इस महीने का मेरा नहीं हुआ तो मैंने वो ऑफसेट कर लिया. और हम ऑर्गेनाइजेशन को भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज के लिए आप ये ऑफसेट ऑलरेडी खरीद लो. इफ अ कंपनी टेक्स दिस फ्रॉम यू, बिल्कुल, तो अगर वो ESG रिपोर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स वन ऑफ द आइटम्स. इट डस यस. बट जहाँ क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, आई थिंक इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक जैसे एक कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लिया, अब उसके जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज होंगे वो उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया, तो जो इसमें डेटा आएगा कि जितना कार्बन सेव किया वो हो सकता है मैनीफोल्ड देन रियलिटी हो. जैसे कि लोग वो करते थे स्टेप ट्रैकर अपने कुत्ते पे लगा देते थे टू विन दिस चैलेंज. तो ये ऐप में आप कैसे ट्रैक कर पाती है कि लोग सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक तो हमारा चॉइस था, वी हैड इवन पुट इट कि आप फोटो डालो और फिर यू रिकॉर्ड इट. बट फिर वो यूजर को एक हिंड्रेंस हो जाता है कि मेरे को फोटो कंबरसम हो जाता है. हाँ, नंबर कम हो जाएगा नहीं कोई. तो सेकंड थिंग, टू फेल सेफ्स वी पुट. वन इज कि बहुत ज्यादा रिकरिंग एक्शन पहले था वो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वो बहुत अमाउंट क्वांटिटी में एक बार होता है. तो बहुत क्वांटिटी में झूठ बोलना इज नॉट अलाउड. और सेकंड फेल सेफ इज एनोमली डिटेक्शन थोड़ा है कि इफ दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विद, मैं भारत में रहती हूँ तो this is not consistent with where I'm from, this behavior, this is not consistent with my past behavior, so we will get a notification saying ki this doesn't seem true, so then we will remove that. I have an offer for you. Yes, chalo aap pehle bolenge, aap pehle bolenge. Okay, mera offer sirf aapke karan hai. I think business bahut young hai, bahut zyada young hai, abhi institutional app bana bhi nahi hai. एंड मैं ऑफर देने से पहले मुझे लगता है मैं इसमें काफी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ. हमारी फर्म UNPRI की सिग्नेटरी है, कॉर्पोरेट्स में इसका अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है, तो मैं वो नेटवर्क खोल सकती हूँ. तो मैं ऑफर देती हूँ, मैं आपको 1,000,000 इक्विटी में दूंगी फॉर 10% ऑफ द कंपनी, सो दैट्स अ 1 crore वैल्यूएशन. बाकी 1,500,000 मैं आपको डेट पे दूंगी
बट दैट डेट इज एट 8% इंटरेस्ट विच इज बैंक इक्विवेलेंट इंटरेस्ट क्योंकि आपका कॉज ऐसा एंड डेट इज फॉर 2 years. ओके. It's a good thing you're doing, right? And I think my wife will be very happy if I support this even more. Right? So I'll give you the offer of what you asked for, 25 lakhs, 5%. अरे वाह. Okay. मेरा इसमें एक problem है. When I saw the features, when I saw your thinking, this is very easy to copy. So I think अभी आप मेरे लिए थोड़ा early हैं. And you've got 2 fantastic offers. love your enthusiasm, but for today I'm out. Okay. जिस तरीके से मैं प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, जब आपने बात कही कि मैं बस से ट्रैवल, लोग बस से ट्रैवल करना शुरू करें या फिर लोग मीट खाना बंद करें, एसी बंद करना शुरू करें, ये सब ना बहुत फंडामेंटल बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमंस हैं. हम उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं. मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये फंडामेंटल बिहेवियर्स को लोग स्टॉप नहीं कर पाएंगे. प्रॉबेबली इसके जो बेटर सॉल्यूशंस होंगे, एसी बंद करने की जगह अगर कोई ऐसा एसी आता है जो कंजम्पशन कम लेगा तो शायद मैं स्विच कर जाऊं. तो मुझे लगता है कार्बन एमिशन में सबसे अधिक जो चेंज आएगा वो इन कारण से आएगा, जब वो प्रोडक्ट्स ही चेंज होंगे. और B2B में मुझे लगता है ये शायद जो पर्पस के लिए यूज होगा उसको फ्रॉड किया जा सकता है. तो ओवरऑल इन रीजन से मैं आउट रहना चाहूंगा. ओके, ठीक है. लव योर एनर्जी, अमेजिंग पर्पस. आपने अपनी जिंदगी इस पे दावे पे लगा दी तो उसको तो सल्यूट करना पड़ेगा. बट नॉट ओनली आर यू प्री रेवेन्यू, आप प्री मार्केट, प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट भी है, राइट? एंड यू हैव नो मोट. आपकी जो बैरियर्स टू एंट्री होगी ये बिजनेस में आज तो दिखी नहीं रही. यू ऑलरेडी हैव एन अमेजिंग ऑफर. अभी ये दो कंबाइन करके क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं. मैं सिर्फ यही एडवाइस आपको दूंगा कि आप इनका ऑफर लीजिए. ये शायद आपको बिजनेस की तरफ एडवाइस अच्छी दे सकेंगे. और नहीं देंगे तो यू कैन ऑलवेज कम टू द मास्टर. आई एम अवेलेबल. आई वुड लव टू बी कनेक्टेड. गुड लक. आई एम आउट बट माय हार्ट इज इन. थैंक यू. हार्ट इज इन. मैं बिल्कुल सहमत हूँ. मोट नहीं है, प्री रेवेन्यू, प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट है, लेकिन इसमें काम बहुत है. तो इतना काम एक्चुअली इसको आइडिया से पूरा बिजनेस बनाने में, एंड अमन आई थॉट अबाउट इट, मुझे एक्चुअली 10% ओनरशिप चाहिए क्योंकि काम बहुत है, वो टाइम बहुत जाएगा और मैं वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ. अधिका बोलना चाहती है कि शी डजंट वांट दैट वैल्यूएशन टू बी व्हाट आई हैड गिवन. शी डजंट बिलीव इन दैट एंड शी इज सेइंग अगर हम दोनों आएंगे तो शी वाज लाइक एट 25 लाख्स एट 10% इज व्हाट शी इज लुकिंग एट. या या, अधिका और मैं साथ आते हैं 25 लाख्स 10%. थैंक यू फॉर योर ऑफर. मुझे प्रेफरेबली आप दोनों की एक्सपर्टीज चाहिए. मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपके प्रीवियस ऑफर, इज इट स्टिल ऑन द टेबल? अभी आपके पास एक ऑफर है, राधिका जी और मेरा, फॉर नाउ 25 lakhs 10%. आर यू इन और आउट? मुझे आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अभी प्री रेवेन्यू के वजह से हमारा वैल्यूएशन कम है, लेकिन अभी जल्दी वो बहुत बढ़ने वाला है. क्या बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1 crore वर्थ MOUs हमारे पास ऑलरेडी है. वैल्यूएशन हाफ हो रही है तो आप ये थोड़ा कीजिए ना. काउंटर कीजिए, काउंटर कीजिए. आई एम ओके विद 6% फॉर 25 lakhs. नो, डजंट वर्क. ओनरशिप मेरी 3-3% हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा. फॉर द वर्क जो मुझे डालना है इसमें बहुत कम हो जाएगा. राधिका जी देखो, आपको 10 चाहिए, हमको 6 देना है, 8 में कर लो, अच्छी ऑन टू. चलो 8 में करते हैं. बोलो. अब मैं लाया हूँ राधिका जी, इज इम्पोर्टेंट. It's just because of you. No, because I'm telling you, we'll get benefit if both of us. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर आवर ऑफर. डील 25 लाख फॉर 8% डील पक. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस. You are Gupta and Gupta now. Oh yes. Congratulations. Congratulations.